Wait. Motorcycle. सारा शहर मुझे लोयन के नाम से जानता है। हीरे लेकर काली पहाड़ी के पीछे आ जाओ, तुम्हारी मां मेरे कब्जे में है। अगर कोई चालाकी की तो उसकी मौत के जिम्मेदार तुम होगे। मोना डार्लिंग, माइकल को बोलो साइकिल निकाल कर लाए। प्राण, इससे पहले कि आप मेरी बात को अनसुना अनदेखा करें, मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रोग्राम खत्म होने से पहले यदि कोई व्यक्ति ठेके पर गया तो फिर ये मत कहना कि माइकल दारू पी के दंगा करता है। ऋतिक रोशन, मैं भी आया, मैं भी गाना गाऊंगा, मैं भी बिक्री करूंगा। अब मैं देखना, मैं ही जीत कर आऊंगा। इन सभी ने मुझे मारा, मैं किसी से प्यार नहीं करता। मैं आ रहा हूं। एक बार अमरीश पुरी और गुलशन ग्रोवर एक पार्टी मिल गए। अमरीश पुरी गुलशन ग्रोवर तो बोलिया, ओए गुलाटी, सामने वाली औरत को देख रहे हो? देख रहा हूं, उसी ज्यादा देख रहा हूं। थोड़ी देर बाद से फिर, ओए गुलाटी, उसकी साड़ी देख रहे हो? थोड़ी देर में फिर बोला, उसके कानों के झुमके देख रहे हो? देख रहा हूँ, उसी को तो देख रहा हूँ। गणा तंग हो गया गुलशन ग्रोवर। फिर बोला, इको बोलो। फिर बोला, ओए गुलाटी, उसके गले का हार देख रहे हो? देख रहा हूँ। थोड़ी देर बाद से गुलशन ग्रोवर बोला, उसके बाजू में खड़ा बच्चा देख रहे हो? आजकल के बालक बड़े उतरे हैं। मास्टर ने उल्टे जवाब दे है कि मैं पूछा है तो उसका जवाब भी उल्टे दे है। एक बार एक मास्टर बोला बड़का था क्लास में, बोला बच्चों नो बताओ 1879 में क्या हुआ था? एक जना खड़े होकर बोला, जी 1879 में गांधी जी का जन्म हुआ था। फिर थोड़ी देर पास बोले, नो बताओ 1872 में क्या हुआ था? एक बैठी है उठ गया, बोला जी 1872 में गांधी जी 3 साल के हो गए थे जी। फिर बच्चों नो बताओ, एक छोरा खड़ा हो गया, एक छोरा खड़ा हो गया, उसने बोला बेटा तेरे पास 10 आम है, 3 सड़के कितने? बोला जी 10। बोला नू कुकर, बोला जो उनसे सड़े थे वही भी आम पे थे, वह कुछ अमरूद हो गए। बोला अच्छा छोड़, तो नू बता तेरे पास 10 आम है और 2 कोई ले ले, कितने बच गए? बोला जी 10। बोला नू कुकर, फिर नुबला जे तेरे पर 10 आम है, 3 मैं छीन लू, फिर तेरे पर के बचा? बोला जी 10 आम और 1 लाश। नाना पाटेकर, अच्छा भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, चोरा था बंगला, गाड़ी है, गर्लफ्रेंड की कमी थी, प्यार मोहब्बत क्या है? मोहब्बत मोहब्बत मेरी मोहब्बत से पतने का चारा था, ना खाता ना पीता ना सोता ना जगता, सिर्फ एक गाना गाता, तो से देखा तो जाना सर क्या खासा रहा, मैं पत्थर उठा से पोटा जैन जवार सब चलेगा। साली आज तक कोई ऐसी करीब नहीं बनी जो मुझे गोरा कर सके। ए जानी, ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से हर शादीशुदा आदमी डरता है तो बीवी की मार से। भैया मुझे बचाओ, ये कॉकरोच मुझे मार डालेंगे। ओए ये तो मुन्ना की आवाज है। ओए मुन्ना, मैं आ रहा हूँ मुन्ना, मैं तुम्हें बचा लूंगा, तोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा।
किसको तो बचा लिया, अब तुझे कौन बचाएगा? ये ना बिल्ले पार्टी जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मोटू पतलू, अरे ये मोटू जल्दी भागो वरना ये भूत हमें खा जाएगा। ओए बाबा भूत भगवान का मेरा विशाल का तजुर्बा है, मैंने भी चिंगम चिंगम के चंगुल से बचना है इम्पॉसिबल, बोला तो इम्पॉसिबल, हिंदुस्तान की कसम, भारत माता की कसम। अरे चिंगम सर, धूपड़ी नगर में भूत आए हैं, चलो डॉक्टर जट्टा के पास चलते हैं। ओए पतलू मेरे भाई मेरे यार, ओए मार छुटिया पापड़ वाले नू, ऐसा गैजेट बनाया है जिसको पहनने से भूत भाग जाएंगे यार। एक पार्क में एक छोरा और एक छोरी बैठे, छोरी छोरा ने बोली जानू तू मेरे तक कितना प्यार करा है। छोरो बोलिया मैं तेरे तक इतना प्यार करू हूं ईसा जी करा है जो तेरे वर्गी एक और ले आऊ। छोरिया सुरक्षा खातर सरकार ने गणे बढ़िया नियम बनाए रखे, इनको छोरिया छेड़दा को नहीं पिड़ा सफेदा का सहारा। सवेरे सवेरे स्कूल का टाइम पर एक छोरी आई सुतरी ही, उत्ती देख के बोलिया रे सफेदे के खा कर है जमा फूलता हुआ है। थोड़ी कौन बोली लिगड़ गई बेचारी, अगले दिन फिर उड़े खेड़ा, अगला दिन बोलिया रे सफेदे जमा भूरा होता हुआ है के लाग रहा है। थोड़ी कौन बोल ली, उसी सोचा रोज का डाला पड़ गया। अगला दिन पहले पुलिस फोन करके ना रहेगी, बोले कोई बात नहीं बुट्टे पकड़ लेंगे। अगला दिन आई उसने तो वही काम, हाथ लाके कहा रे सफेदे, पास पुलिस थाने ने गुद्दी पकड़ ली, बोले चल थाना में ले गए। अच्छा पीट के ना बोले इसी बेबे को, बोला मेरी माँ मैंने माफ कर दिया, कह दिया छोड़ दिया। अगला दिन वह छोरी खड़ी सफेदा दौरा और वो आया टुटिया फुटिया उड़े। वह छोरन देख के बोली हाथ लाके सफेदा कह रे सफेदे तेरे तो सारे पत्ते झड़ गए रे। धन्यवाद।